जय श्री कृष्णा। जनमत की पुकार न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए आज मेष लग्न में उत्पन्न व्यक्ति अथवा मेष लग्न या मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके लिए स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है। मानसिक तनाव बेचैनी अनायास अचानक किसी बात को लेकर के बढ़ सकती है। दूसरी राशि है वृष वृष राशि वाले व्यक्ति मंगल शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तीसरी राशि है मिथुन मिथुन राशि वाले व्यक्ति अजनबी लोगों से भेंट हो सकती है, स्वास्थ्य बेहतर होगा। चौथी राशि है कर्क कर्क राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग आपको आज के दिन बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह सिंह राशि वाले व्यक्ति आज आपको घर परिवार वालों से पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार की नींव आज आप रखेंगे तो बहुत बेहतर रहने वाला है। छठवीं राशि कन्या कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आपके लिए भाग्य का उदय होगा या किसी पद पर आप पहले से प्रतिष्ठित हैं, स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं, तबादले के योग बन सकते हैं। सातवीं राशि है तुला तुला राशि वाले व्यक्ति आपको आज के दिन व्यापार में सफलताएं हाथ लगेंगी, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। आठवीं राशि वृश्चिक वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमों पर विजय प्राप्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नवम राशि है धनु धनु राशि वाले व्यक्ति या धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए धर्म के प्रति आपका आज रुझान होगा, विद्या अध्ययन जैसे आदि क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लगेंगी। दसम राशि मकर मकर राशि वाले व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या किसी नौकरी की तलाश में है या कोई कार्य करोगे हाथ डालोगे तो काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज आपके लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार भी श्रेष्ठ चलेगा, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। राजनीतिक करियर को लेकर के कुछ वृत्ति मन में आ सकती है। बारहवीं राशि है मीन राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। स्त्री पक्ष से कलह का माहौल अनायास अचानक किसी बात को लेकर के बढ़ सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।